बिसम राह रहीम सो वी आर डोइंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हमने कैपिटल एसेट लाइन की बात करे थे आज हम इसकी थोड़ी कॉन्टिन्यूशन करेंगे विल सी इट इन अ ग्राफिकल फॉर्म एंड वट आर द फर्दर टाइप्स एंड कैटेगरीज फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर द बेस्ट कैल इज़ द वन दैट ऑफर द मोस्ट प्रेफर्ड सेट ऑफ पॉसिबल पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ रिस्क और रिटर्न में जो बेस्ट पॉसिबल देगा दैट इज विच वी गोइंग टू सेलेक्ट फिगर इलस्ट्रेट्स द्री पॉसिबल अभी हम एक फिगर देखेंगे आगे लेटर डायग्राम में हमारे पास डी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे कि वी हैव रिस्की पोर्टफोलियोज ए बी सी एंड बेस्ड ऑन दैट वी सी विच वन कैन बी बेटर फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर द ऑप्टीमल रिस्की पोर्टफोलियो फॉर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ए बिकॉज रिजल्ट हम ये इसकी हमारी रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि वट आर डिफरेंट टाइप्स और उसमें हम ये कैसे लेके चलते हैं दैट इज़ कंबाइंड यूजिंग रिस्क क्रिएट एंड द रिस्क की पोर्टफोलियो उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें जब गिवन पॉसिबिलिटीज़ में से वी हैव टू सी विच वन इज मेकिंग मोर बेनिफिशियल सेंस टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एपिटाइड एंड द रिक्वायरमेंट्स सो यू कैन सी इन द डायग्राम सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल कैल ए कैल बी एंड कैल सी एंड दे हैव डिफरेंटली डिफरेंट रिस्क लेवल्स एंड रिटर्न

ईच इन्वेस्टर विल हैव डिफरेंट ऑप्टिमल रिस्की एसिड पोर्टफोलियो के सबकी अगर एक्सपेक्टेशन फर्क होगी तो सबकी अपनी अपनी एक कैल होगी और एक डिफरेंट उनके अपने रिक्वायरमेंट्स की लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो हमें ये जो उनकी लाइंस का स्ट्रक्चर है ये इसके साथ मैच करता है व्हेन दे हैव अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन सो दे कैन बी हंड्रेड ऑफ कैल्स फॉर हंड्रेड ऑफ इन्वेस्टर्स एडवांटेजेस क्या हैं इसके अ पोर्टफोलियो एलोकेटेड ऑप्टिमली बेस्ड ऑन एवरी इन्वेस्टर्स रिस्क एपीटाइट के जिस जिसकी जो रिस्क एपीटाइट है उसके ऑब्जेक्टिव है आपने उसके मुताबिक इसको कैप्चर किया है नो रिलायंस ऑन विम्स एंड इंस्टिंग की बात नहीं कर रहा रादर देन कैलकुलेशन पे बेस्ड है साइंटिफिकली प्रूवन मैथड्स को यूज़ करके ये हो रहा है इट्स नॉट लाइक कोई गट फीलिंग वाली बात नहीं हो रही इट्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रूल्स दैट आर बिल्ट इन इट हेल्प्स अचीव मैक्सिमम रिटर्न एट अ मिनिमम रिस्क गिवन रिस्क पे आपको जो मैक्सिमम रिटर्न ऑफर करेगा फॉर इंडिविजुअल ईच एसे कैटेगरी उसके अकॉर्डिंगली ये उसमें रूट होता है अम्पलीफाइंग एग्जाम्शन अंडरलाइंग मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी कैपिटल आई एसेड प्राइसिंग मॉडल विच इंट्रोड्यूस लेट अब कैल की फर्दर एक्सटेंशन जब आगे जाती आती है वहां पर ये आता है कि इन्वेस्टर्स हैज अ होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन ये एक एक्जाम्पन ली जाती है कि सबकी एक्सपेक्टेशन सेम है दैट इज उनके रिस्क के एस्टिमेट्स रिटर्न के एस्टिमेट सेम हैं और वो को रिलेशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम क्यों कर रहे हैं ताकि हम एक थोड़ी स्टैंडर्डाइज वर्जन की बात भी करें क्योंकि अदरवाइज हमने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ कैल्स आर देयर तो वो कंपेरेबिलिटी और सिलेक्शन में थोड़ी सी डिफिकल्टी है बट दीज आर एजम्शन इन लीडर मॉडल्स दैट आर कमिंग अंडर दिस एजम्पन ऑल इन्वेस्टर फेस द सेम एफिशेंट फ्रंटियर पहले तो सबका डिफरेंट बन रहा था अब इस स्ट्रक्चर में सबका एक फ्रंटियर बनेगा एंड एवरी वन विल रिस्की पोर्टफोलियो सबका एक ही होगा और एक ही कैल बन जाएगी वेन वी हैव हैमोजीनियस एक्सपेक्टेशन होमोजीनियस वर्ड का मतलब पोर्टफोलियो एंड ऑप्टिमल कैल फॉर ऑल इन्वेस्टर अंडर ऑफ होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन वेन वी हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन तो फिर हमारा जो जिस तरह तो हमने डिफरेंट कैल ए कैल बी सी देखी थी अब देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे उसमें क्या आता है अंडर दिस ऑप्टिमल कैल फॉर इन्वेस्टर इज वन दैट इज टेंजेंट टू एफिशिएंट फ्रंटियर जो एफिशिएंट फ्रंटियर को कैल टच कर रही है दैट इज द बेस्ट पॉसिबल एंड ऑप्टिमल फॉर ऑल तो डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस फॉर रिस्क एंड रिटर्न देयर इन डिफरेंस इन्वेस्टर में चूज डिफरेंट वेट्स अब इन्वेस्टर के पास डिफरेंट कैल नहीं है एक ही कैल है अब जिसका रिस्क कम होगा वो लाइन में पीछे रह लेगा जिसकी रिस्क एपीटाइट ज़्यादा होगी वो लाइन में आगे मूव कर जाएगा बट सेम लाइन विल बी यूज फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एवरी वन विल मूव ऑन दैट बेस्ड ऑन देयर रिस्क एपीटाइट वो जो कम लेना चाह रहा है वो कम ले ले जो मार्केट वाला लेना चाह रहा है वो पॉइंट पे ले ले कुछ उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं एवरी इन्वेस्टर हाउ एवर यूज़ द सेम रिस्की पोर्टफोलियो रिस्की पोर्टफोलियो यही सेम ही रहेगा कोई हो सकता है उसमें फिफ्टी परसेंट वेट डाल दे कोई हो सकता है उसमें सिर्फ थर्टी परसेंट डाले सम वन मेंोटी परसेंट वेट टू दैट सो दिस इज जो मार्केट का जो रिस्क पोर्टफोलियो है वेट्स विल चेंज बट रिस्क पोर्टफोलियो विल बी सेम तो नाउ यू कैन सी वेन वी हैव दिस सिचुएशन द कैल बिकम्स वन लाइन और उसका जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है वो हमारा जो एफिशिएंट फ्रंटियर का टेंजेंट है द पॉइंट यू कैन सी हेयर जो इसकी हम बात करें तो दिस इज द मार्केट पोर्टफोलियो पॉइंट अब जिसके इन्वेस्टर का रिस्क कम होगा वो क्या करेगा यहाँ पे रुक जाएगा कि मैं इतना रिस्क ले लूंगा मैं इतना रिटर्न ले लूँगा कोई इतना ही रिस्क ले लेगा और मार्केट का रिटर्न कमा लेगा एंड सम वन कैन ईवन टेक मोर ऑफ दैट टू टेक हायर रिस्क टू अर्न अ हायर रिटर्न तो ये मैकेनिज्म जो है ये कैल का मूव करता है सो अंडर द एजम्पन ऑफ होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक कैल बन जाती है तो नाउ दिस कैल इज कॉल्ड सी एम एल कैपिटल मार्केट लाइन वेन इट्स वन कैल एंड होमोजीनियस देन इट इज सी एम एल इसकी हम फर्दर बात भी करेंगे थैंक यू